हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है किट्टो ब्लॉग्स के चैनल पे। तो गाइस, आज मैं ये मेरा फर्स्ट शूट मेरा आईफोन से हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने अमित एंड किट्टो जायसवाल वाले चैनल पे देखा कि मेरे पति जो हमारे फर्स्ट कराचौथ पर मुझे आईफोन 11 दिया है एप्पल का, तो मैं आज उसी से अपना ब्लॉग्स स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो दे दिया था कल ही, लेकिन कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो कभी कभी नई चीज़ करने का मन करता है और हर बात सबसे शेयर नहीं किया जा सकता है। कुछ बातें होती है जो पर्सनल लाइफ में रहता है और किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, तो माइंड थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, इसकी वजह से मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं शूट किया था। और आप लोग बताइएगा कि जो आईफोन से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब अच्छा है कि नहीं अच्छा है। मेरे को तो सब अच्छा लगता है। मैं तो बोली भी थी कि मेरे को तो जो फ़ोन है मैं उसी से शूट वगैरह करूँगी, बट वो बात नहीं माने, बोली नहीं तुमको जैसे कि शॉर्ट वीडियोस पे तुम मेरा वेट करती हो, तुम हम आते हैं तब तुम डालती हो वीडियो, फिर मैं शूट करता हूँ। अगर तुम्हारे पास फ़ोन रहता है तुम अपना क्या करना रहेगा, अगर कैमरे की क्वालिटी अच्छी होती तो तुम अपने से खुद से वीडियो शूट कर सकती हो। और जैसा कि आप लोग को पता है कि फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है और बहुत ज़्यादा खर्चे पे खर्चे एक्सपेंस होता जा रहा है और लोगों के घर में तो बहुत सारे पैसे खर्चे थे। कभी अभी तो करवा चौथ, तीज, बहुत सारी चीज़ें बीती हैं। अब दिवाली आने वाला है, तो अब दिवाली ज़्यादा दिन रह भी नहीं गया है। 4 तारीख को दिवाली है, छोटी दिवाली भी है 2-3 तारीख को, तो उसके पहले भी तो दिवाली के जो रूम वगैरह होते हैं साफ़ सफाई हर चीज़ करना, बहुत सारी चीज़ें खरीदना, बहुत सारी चीज़ें अगर हो तो उसको ना खरीदो, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। घर भी क्या नाम है, मैं हम लोग भी सोच रहे थे कि नया दिवाली पे नया घर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन नई घर दिवाली पे नहीं होंगे। मे भी हो सकता है कि नए साल पे हो जाए, बट अभी नहीं होंगे। और देखिए वंदना दी यहाँ बैठी हैं, भी थोड़ा डिस्टर्ब चल रही हैं कि क्या ब्लॉग शूट करें, माइंड ही नहीं काम करता है। नहीं, ब्लॉग बना हुआ है लेकिन ऐसे कि बहुत सारी वही होता है ना कि समझ भी नहीं आता कि मैं का ऐसे कोई फेस्टिवल होता है तो बिना पूछे ही सोचना पड़ जाता है कि हाँ ये चीज़ डाल दो तो ब्लॉग तो देखेंगे ये लोग, क्योंकि वो ट्रेंड में चलता है, मतलब कि वो चीज़ चलना ही चलना है और वो चीज़ सब लोग मतलब कि सब लोग के यहाँ ऐसा चीज़ होता है। बस अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, अभी तो कुछ सब कुछ शांत शांति सा है, तो समझ में नहीं आता है कि क्या अपलोड करूँ, क्या आप लोगों को पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा, माइंड बहुत कुछ सोचने को पड़ जाता है। और क्या बताएं, करा चौथ बहुत अच्छे से बिता है और गिफ्ट भी बहुत अच्छा मिला है, आप लोग का प्यार भी बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर रहे थे, बंद करो, कमेंट्स भी किए हैं, बहुत अच्छा लगा कमेंट्स पढ़कर कि आपने हमारे मेकअप को हमारे तैयारी को लेकर कितना अच्छा अच्छा कमेंट किया। बट कुछ लोगों ने जो मैंने इस वीडियो अपलोड किया था सासू माँ की साड़ी के लिए, तो आप लोग ऐसे क्यों कमेंट कर रहे हो कि मैं पुरानी साड़ी उनको दे रही हूँ, पुरानी साड़ी नई है और नई साड़ी है, अभी जस्ट कोरियर आया था, मैंने देखो अभी इधर ही रखा है, इसको पैक करके इधर ही रखी हूँ। आप लोग ऐसे बोलते हो, तो अगर पुराने होते तो मैं इधर क्यों रखती, बैग के अंदर रखती ना, ऐसे थोड़ी रखती है। और उसी दिन आया था, आप लोग दीदी से भी पूछ सकते हैं, वो साड़ी उसी दिन आया था कि नहीं आया था। हाँ, उसी दिन आया था। और क्या मैं जो यूज की थी वही साड़ी दे रही हूँ, वो साड़ी है वो जी, वो साड़ी नहीं है, वो साड़ी मैंने कहा नहीं, मतलब कि वो साड़ी थोड़ी नो साड़ी है, अपने लिए सासू माँ के लिए ना, जो साड़ी उसने लाया है। वही तो कह रहे जो तुम पहन के दिखाए थे हमको, वो साड़ी का डिजाइन अलग है, इसका डिजाइन अलग है, बट ये आप लोग ये नहीं, ये लोग बोल रहे कि वही साड़ी है, आप वही उसको पहन कर साड़ी भाई, एकदम दुल्हन वाली साड़ी है, एकदम ब्राइडल। और कितना अच्छा साड़ी की जो फैब्रिक है बहुत प्यारी है, और हम पहना हुआ साड़ी किसी को देते नहीं, अगर किसी को अच्छा लगा है तो अगर कोई मांग लिया तो दे देंगे, लेकिन अपने से अगर किसी को दे रहे हैं साड़ी तो हम यूज़ किया हुआ साड़ी नहीं देते। बट आप लोग ऐसे कमेंट करके हर्ट मत किया करिए कि आप झूठ बोल रही हैं, अपने लिए अच्छा लेती हो उनके लिए ख़राब लेती हो। अरे तो जैसा इंसान का मतलब कि जो होता है कि मम्मी को जैसे कि हल्की साड़ी वगैरह ये सब साड़ी उनको अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी अच्छी नहीं लगती। अभी कितना मतलब कि अभी मैं जब भी जाती हूँ तब उनको दे देती हूँ साड़ी वगैरह, उसके पहले मेरे हस्बैंड कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ दीदी शॉपिंग करके देती नहीं थी साड़ी मम्मी को, हमेशा देती हूँ, इस बार भी खरीदी हूँ साड़ी। हम लोग जब भी जाते हैं सासू माँ को साड़ी देते हैं, बट जैसे पहले तो वीडियोस वगैरह बनाते नहीं थे कि हम लोग आप सबसे शेयर करें, आप लोग को दिखाएं,
और जब करने लगे हैं तो अब साड़ी भी लेते हैं अच्छे क्वालिटी का, कोई हल्का फुल्का भी नहीं लेते, ये भी नहीं कि हाँ चलो दो तीन सौ साड़ी हम लोग लेकर हट जाए, और हजार तक साड़ी रहता ही रहता है, मेकअप का सामान रहता है, एक जोड़ी बिछुआ रहता है, ये सब का सामान रहता है। और हम लोग इतना शॉपिंग अपने लिए करते जाते हैं, घर पे भी तो सबको कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि बस अपने लिए ही करते हैं, और हर चीज आपको दिखा के ये ना करे कि हाँ ये देखो मैं इनके लिए ले रही हूँ, मैं उनके लिए ले रही हूँ। नहीं देखिए, इंसान एक बार दो बार देता है, ये नहीं कि हम दस बार जाएंगे तो सबके लिए दस बार लेकर ही जाएंगे, कुछ अपनी भी फैमिली होती है, कुछ अपना भी खर्चा होता है, हमेशा सबके लिए थोड़ा ना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं आप लोग जाते हैं तो इनके लिए ले लो उनके लिए ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने ऊपर ही आप रख लो। क्या आप जब जब शॉपिंग करते हो जब जब क्या सबके लिए करते हो ये बताइए। चलिए कुछ बड़ा त्योहार, कुछ बड़ा त्योहार हो गया, लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं, लोग बस खाली बोल देते अपना अपने लिए लेती हो, अपनी उनके लिए नहीं लेती, उनके लिए नहीं लेती, यार आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। हम नहीं, सब ठीक है, हमारा छोड़ो, आप अपने लिए सोचो, अगर आप जब जब शॉपिंग करते हो तो पूरे रिश्तेदार और पूरे पड़ोसियों के लिए करते, आदमी एक बार दो बार करता है, चलिए कभी हो गया दे दिया, अब नहीं मैं दस बार शॉपिंग करूँ, दस बार सबके लिए दो ले सकती, भाई हमारे तो भी दो बच्चे हैं और हम लोग दिल्ली में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, खुद का अपना मकान नहीं है, बिजली का पानी और रूम का रेंट और पानी कितना सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपना ही करते रहते हैं, बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, नहीं बच पाते क्योंकि जमाना बच्चे भी मॉडलिंग होते जा रहे हैं, एक बार पहन लो ना बोलेंगे नहीं होने, फिर भी हम लोग सोनाक्षी और ये सब के लिए कपड़ा ज्यादा कहाँ लेते हैं, अभी महंगाई मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं हमेशा त्योहारों पे कपड़े नए पहनते इसलिए लेते हैं, और मीशो से जो आता है मीशो से तो हम लोग पहनते ही है, रख देते हैं, अब पहना हुआ कपड़ा थोड़ा किसी को दे सकते हैं। और लोग सबसे ज्यादा तो मैं छोटी हूँ लेकिन तब भी मेरे से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, तुम नहीं देती हो। नहीं भैया मैं तो देखो एक बार दो बार जिसके लिए करती हूँ बार बार नहीं करती, क्योंकि भाई हमारे जो बच्चे हैं तो उनको उनके लिए भी देखना होता है, सबका अपना परिवार होता है, सबके लिए कुछ, सबको अपना फ्यूचर बना के ही चलना होता है, तो लोग जब भी चले तो हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, जो भी करता है अपने लिए, इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, अभी हम लोग शॉपिंग करेंगे कुछ करेंगे आप इनके लिए ले लो, इनके लिए उनके लिए इंसान एक ही दो बार, वो भी कमाते हैं, वो भी अपना ये बात मुझे जैसे कि लोगों को सोचना चाहिए कि चलो आप नहीं कमा रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर उसके लिए कुछ करो तो अच्छा लगता है, और क्या? आपको भगवान खुद इतने दो पैर दो हाथ चलने की पढ़ने हर चीज की सबके लिए बार बार थोड़ा किया जाता है, इंसान एक ही बार दो बार करता है, बार बार जैसे कोई कुछ पढ़ता है तो इंसान खुद ही दे देता है, और कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। हाँ लेकिन बट ऐसे आप लोग बोले, हम कमेंट पढ़े हमको बहुत हर्ट हुआ कि क्या बोले रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, ये साड़ी आप पहना हुआ दे रहे हो अपने, ऐसा थोड़ा ना होता है, भगवान को हम कोई चीज चढ़ाएंगे तो पहना हुआ चीज चढ़ाएंगे, क्या बात करते मेरी फैमिली, कभी कभी अरे किट्टो नाराज है, गिफ्ट के लिए नाराज है, इसलिए किसी के ब्लॉग में कुछ बोल नहीं रही है, नहीं उसको थोड़ा सा तबीयत खराब है, आप लोग बोलते हो कि तबीयत, जब इंसान तो हर बात दिल से शेयर नहीं किया सकता है तो तबीयत खराब है बस, अब क्या बताएं, बता मोबाइल आ गया क्या। तो गाइस ऐसे मत बोला करिए, वंदना दी की बात ज्यादा मना करिए, वो सही सही बोलती है ये नहीं देखिए अब वो छोटी है, थोड़ा इंसान बीमार हो जाता है, हम भी बहुत बीमार रहते थे जब इसकी शादी नहीं हुई थी ना, हम इतना बीमार रहते थे ना, हमारे देवर ही ख्याल रखते थे, हमको बिस्तर से उठने नहीं देते थे, हम खाना भी नहीं बनाते थे, बाहर का खाना आता था, अब हम है ये बीमार पड़ते तो आराम करती है और क्या, और काम ही क्या रहता है, काम ही क्या रहता है, बीच में बैठे रहो तो फिर बोरिंग सा लगता है, क्या करें क्या ना करें, रूमबा झाड़ू पोछा खा बना पिया, एक तो खाना ही नहीं समझ में आता है क्या बनाया जाए क्या खाया, अभी थोड़ा सा मौसम अब सही आ रहा है ना तो समझ में आएगा कि मटर का कुछ भी बना लो, नून मरी बना, मतलब क्या बोलते हैं घुघरी, अरे ऋषभ उस पे नहीं चला बिछाते डांट रहे थे, सब घर पे रहते हैं ना तो बनाने का भी मन करता है, ये लोग ड्यूटी चले जाते हैं तो हम लोग तो हल्का फुल्का, अभी देखो आज दोपहर में हम लोग प्याज का पराठा बना दिए थे सुबह, तो मेरे को दो दिन हो गया बाल वगैरह झड़, तो ठंडी आ गई ना दिन भर बिस्तर में घुसे रहते हम लोग तो गाइस ये थोड़ी सी अपने दिल की बात, ये फीलिंग आप लोग से शेयर कर लिए,
और हमारा हम ज़्यादा बड़ा ब्लॉग अब तो अपना बनाना नहीं चाहते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लग जाती है तो आप लोग, और हम बताए ना, आप किट्टो बीमार नहीं रहते, आप लोग बोल कर बीमार करवा देते हो। जब देखो बीमार रहती, जिनकी नई नई शादी हो जाती है ना कुछ दिन, जब तक बच्चा नहीं होता है तब तक इंसान के ऊपर ऐसा ही होता रहता है। जब इंसान अपनी फैमिली हो जाती, अंश बढ़ जाता है ना, तो बिजी खुद ही हो जाता है, आपको चलते फिरते इंसान नजर आएंगे। तो अपने दिल पे बात रख के, अपने लिए सोच के दूसरी बार भी ज्यादा सोचा करिए। बाय बाय। फोन आ रहा है, पति देव का फोन आ रहा है, मैं रिसीव करने जा रही हूँ। बाय बाय।